तो हेलो गाइस, सभी को राम राम। तो आप देख सकते हैं हमें इस बाथरूम में एक ग्रेविटी का मिक्सर लगाना है, एलब्रेंड मिक्सर। और इस बाथरूम की पूरी हमको सीपी फिटिंग करनी है, तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। देख सकते हैं ये हमारा ग्रेविटी कंपनी का मिक्सर है, वाटरफॉल सीरीज का। अब इसकी ओपनिंग करेंगे, तो इसके साथ हमें पहले ये एलब्रेंड मिक्सर मिल जाता है मिक्सर का। और ये हमारा पूरा मिक्सर की बॉडी है, पूरी मिक्सर है, इसका वेट बहुत है क्योंकि ये पूरी फुली ब्रास का है। एक तरफ इसमें गर्म, एक तरफ ठंडा पानी दोनों आता है, और इसको मिक्स करने के लिए बीच से ऑपरेट कर सकते हैं हम इसको। ये खासियत बहुत बढ़िया खासियत है, देख सकते हैं ये प्लम्बर का एक टोकन आता है 20 पॉइंट का। तो इसमें वारंटी कार्ड भी आता है 10 ईयर वारंटी के साथ, और उसके अंदर कुछ मैनुअल दे रखे हैं किस साल किस आइटम पे कितने साल की वारंटी पीरियड है। तो हम चालू करते हैं, देख सकते हैं ये मिक्सर लगाना। तो अब हम पहले प्लग को खोल लेंगे, हमने पहले ही साइड का सीमेंट साफ कर लिया था इसलिए प्लग आसानी से खुल गए। अब देख सकते हैं जहाँ जहाँ हमको लगेगा वहाँ वहाँ हम कटिंग करेंगे। तो अब देख सकते हैं हमने लेग ले लिए, अभी लेग की कटिंग हुई क्योंकि लेग बड़ी थी, तो अब इसको आराम से ग्राइंडर से काटेंगे, ध्यान से काटेंगे। हमारी कटिंग हो चुकी है, कटिंग होने के बाद इसके ऊपर हम अच्छी सी टेफ्लॉन टेप लगा के फिर इसको ब्रास एल्बो में कसेंगे लेग को, मिक्सर लेग को। पूरी लेग नहीं कसे, अपने इच्छा अनुसार कसे, क्योंकि इसको सेट करना ही करना होता है दोनों तरफ से। तो पूरी नहीं कस के थोड़ी कसे, थोड़ी रहने दें। देख सकते हैं कैप एकदम फिट हो चुकी है हमारी एक तरफ। अब दूसरी तरफ भी हमको ये लेग काटनी पड़ेगी क्योंकि ये लेग बड़ी है। तो अब इसकी कटिंग करके कटिंग कर लेते हैं वापस। कटिंग हो चुकी है और हमने एक बार कच्ची लगा के चेक करी थी, क्योंकि कहीं इस कच्ची लगा के इसलिए चेक करी थी कि इसकी कैप बराबर एक्चुअल नपती में बैठे और एकदम फिक्स आए। तो एकदम फिक्स कैप आ चुकी है हमारी। अब हम इसमें टेफ्लॉन टेप लगा के इसको कस लेंगे। अब टेफ्लॉन लगा के पाने से इसको बढ़िया सा कस लेंगे। थोड़ी सी टेफ्लॉन कम पड़ रही थी इसलिए हमने वापस टेफ्लॉन लगा के लगाया। अब इसको बढ़िया से टाइट करके अब हम मिक्सर से पहले इसको चेक कर लेंगे। तो पहले हमको मिक्सर लगा के देख लेना है, नहीं आ रहा है अभी। अब इसकी हमको लेग खोलनी पड़ेगी, कैप खोलनी पड़ेगी, लेग के ऊपर जो लगी कैप है उसको पहले हम खोल लेंगे, क्योंकि हमारे दोनों लेग एकदम एक्चुअल नुक्ती में लेनी पड़ेगी। तो एक तरफ कसने से बाद हम इसको पहले सेंटर में ले लेंगे, शावर वाला सेंटर लेके ब्रश एल्बो का, और हम इसको सेट कर लेंगे मिक्सर को। देख सकते हैं ये दूसरी वाली लेग भी थोड़ा टाइट करके हमने सेट कर ली, देख सकते हैं टाइट हो चुकी है ये एकदम। तो हमारा मिक्सर एकदम बढ़िया लेग सेट हो चुकी है। अब हम इसकी कैप वापस लगा देंगे।
अब हम इसकी दोनों कैप को बढ़िया सेट कर लेंगे। एकदम परफेक्ट बैठ चुकी है। अब इसमें दो वाइसर हैं, ये दोनों वाइसर हम लगा लेंगे जिससे पानी लीकेज का चांस नहीं होता है। अब इसको कस लेंगे बढ़िया सा। नट को, दोनों नट को बढ़िया सा टाइट कर दिया है हमने। और दूसरा वाला देख सकते हैं बराबर में इसलिए कस रहे हैं क्योंकि एक ज़्यादा एक कम रहेगा तो टेढ़ा हो जाएगा मिक्सर, तो भी बराबर कसें दोनों तरफ से। देख सकते हैं मिक्सर कस दिया बारा। अब इसकी लेवलिंग देख सकते हैं हमारा लेवलिंग बिल्कुल सही आ रहा था। इस पर लेवलिंग इसलिए नहीं बैठ रहा था क्योंकि इस पर जगह नहीं थी। देख सकते एकदम एक्चुअल लेवल आ चुका है हमारा, बिल्कुल सीधा मिक्सर हो चुका है। तो अब हम इसकी एलबेंड लगाएंगे। पहले हम एलबेंड के निप्पल लगा के फुल कस के इसकी नपती ले लेंगे कि इसमें कैप एकदम एक्चुअल बराबर दीवार के टायर्स के लेवल से बैठनी चाहिए। अगर कैप हिलती है तो इसकी निप्पल काटनी पड़ेगी। तो देख सकते इसकी निप्पल थोड़ी सी काटनी पड़ेगी। तो हम इसकी निप्पल काटते हैं। थोड़ी सी चूड़ी कटेगी, दो चूड़ी इसकी। तो दो चूड़ी काट के बढ़िया सी टेफ्लॉन टेप लगा के इसको भी टाइट कर लेंगे। अब इसको फुल टाइट करने के बाद इसके ऊपर हम कैप लगा देंगे एकदम फिक्स। इसमें कैप हमारी लग चुकी है। तो अब इसका एल बैंड लगाएंगे। एलबेंड की पहले नपती लेके एलबेंड को काटना पड़ेगा क्योंकि एलबेंड भी बड़ा आता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसको। अब हमने एलबेंड काट लिया है तो हम घिसके इसको चेक कर लेंगे। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बैठ चुका है। तो अब हम इसमें पहले वन नट डाल के और वाइसर डाल लेंगे। दो नट होते दो वाइसर होते हैं, तो वाइसर डाल लेंगे जिससे पानी लीकेज ना हो शावर का। तो पहले हम इसका वाइसर डाल के इसको अब देख सकते हैं अंदर प्रेस करके और इसको बढ़िया से टाइट कर लेंगे। और पाना लगा के इसको टाइट करेंगे क्योंकि हाथ से टाइट नहीं होता है, तो पाना से बढ़िया टाइट करेंगे। तो ये फुल कस गया है, देख सकते हैं एक्चुअल हमारी पीछे नपती हो चुकी है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।